नमस्कार, मैं अंकुना विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। दुद्दी सोनभद्र के पत्रकारों ने काली पट्टी बांधकर पत्रकार उत्पीड़न के खिलाफ जताया विरोध। दुद्दी कस्बे में दोपहर में मिर्जापुर के पत्रकार पवन जायसवाल पर फर्जी मुकदमा कायम कराने हेतु मिर्जापुर के जिला अधिकारी के विरुद्ध दुद्दी सोनभद्र के कई पत्रकारों ने आज दुद्दी में स्थित PWD गेस्ट हाउस से जुलूस निकालकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए दुद्दी तहसील प्रागण के रामलीला मंच उपस्थित हो जमकर नारेबाजी की और पवन कुमार जायसवाल पर लगाए गए फर्जी मुकदमे को वापस करने की मांग की और जिला अधिकारी अनधिकारी लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की मांग किया। इस मौके पर सभी पत्रकार साथियों ने अपने बाह पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश के नाम ज्ञापन दुद्दी तहसीलदार ब्रिजेश कुमार वर्मा को सौंप कर मुकदमा वापस कराने व पत्रकारों के उत्पीड़न बंद कराने की मांग की है। इस सोनभद्र से उपेंद्र तिवारी की एक खास रिपोर्ट। जी, अभी एक जुलूस निकाला गया विरोधाभास को लेकर के, क्या कारण है, क्या मामला है? मिर्जापुर के पत्रकार है पवन जायसवाल, इनके ऊपर फर्जी मुकदमा कायम किया गया है। इसको लेकर हम लोगों में भी आक्रोश व्याप्त है। इसके लिए हम लोगों ने जुलूस निकाला, ज्ञापन दिया तहसीलदार साहब तहसीलदार महोदय को, तो उन्होंने कहा कि मैं इसको उचित माध्यम से मैं भेज दूंगा महामहिम राज्यपाल महोदय के पास। हम लोगों ने बाह में काली पट्टी बांध के नाराबाजी करते हुए तहसील परिसर तक गए। ज्ञापन देने के बाद हम लोगों को अगला रणनीति विचार विमर्श कर क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं कि पवन पत्रकार जो फर्जी मुकदमा कायम किया मुकदमा वापस लिया जाए और जिलाधिकारी और BSA के विरुद्ध भी कार्रवाई होना सुनिश्चित हो ताकि फर्जी मुकदमे पत्रकारों पर कायम न हो सके।